हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग और जंगकुक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट भी कर रहे थे, लेकिन सबसे चुपकर किसी से नहीं कहा कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो लोग एक हॉस्टल में रहता है, वो दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं और जिमिन इन दोनों की बहुत अच्छे दोस्त है। युंगी और जिमिन डेट कर रहे थे और वो दोनों शादी करने वाले हैं बहुत ही जल्द। आरएम तियांग के यंगर ब्रदर है और जिन उसके ब्रदर इन लॉ। आरएम जिन से कहता है, तियांग जैसे अपने कॉलेज ख़त्म कर लेगा, हम उसकी शादी करा देना चाहिए, क्या कहते हो जिन? जिन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, जिहुब कैसा रहेगा? वो मेरा कज़िन ब्रदर है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम कहो तो मैं उससे बात करके देखता हूँ। आरएम कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन पहले तियांग से पूछ लेना। तियांग जब घर वापस आ जाएगा ना, उसके कॉलेज ख़त्म होने ही वाले हैं, तब हमें उससे बात कर लेना चाहिए, उसके बाद उसकी शादी तय कर लेना चाहिए। जिन कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तो तियांग के वापस आने का इंतज़ार करते हैं, ऐसे भी वो बहुत जल्द आने वाले हैं। आरएम अब जिन के कमर में हाथ डालते हुए उसको अपने क्लोज लेकर आते हैं। जिन कहता है, क्या कर रहे हो? आरएम जिन से कहता है, क्यों तुम्हें नहीं पता चल रहा है क्या मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं तो रोमांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन कहता है, अभी तुम तियांग की शादी के बारे में बोल रहे थे और अभी तुम मुझसे रोमांस करने के लिए आ रहे हो? हटो मेरे सामने से, मुझे अभी रोमांस नहीं करना है। आरएम आरएम कहता है, लेकिन क्यों? जिन कहता है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। आखिर तुमने मुझे पिछली रात को एक पल के लिए भी नहीं देखा है। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था और मैं जब सो गया था तुमने मुझे बुलाया भी नहीं और ना ही मेरी तरफ देखा है। आरएम कहता है, तुम सो चुके थे तो तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें देखा है या नहीं? जिन कहता है, मैं तो सोने का एक्टिंग कर रहा था, मैंने नोटिस किया है तुमने मेरी तरफ एक पल के लिए भी नहीं देखा। आरएम कहता है, तो ये बात है तो इसलिए तुम मुझसे नाराज़ हो? हाँ। और जिन को और भी क्लोज लेकर आते हैं और उसके होठों पर किस कर लेता है। अब तो जिन भी अपने गुस्से को भूल जाते हैं और आरएम को टाइटली पकड़ लेते हैं। यहाँ पर तियांग अपने गाल पकड़ कर बैठ कर कुछ सोच रहा था। जनकुक कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम क्या सोच रहे हो? तियांग कहता है, जनकुक कितने लकी है ना जिमिन। जनकुक कहता है, लेकिन क्यों तुम उसको लकी क्यों बोल रहे हो? मुझे तो लगता है वो सबसे ज़्यादा अनलकी है क्योंकि मैं उसे नहीं मिला। तियांग कहता है डफर, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर जिमिन से? जनकुक कहता है, आखिर मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, तो तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? हाँ। जनकुक कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, अब तुम मुझे मारने वाले हो क्या? तो ठीक है, कहाँ मारना चाहते हो, मारो। तियांग कहता है, छोड़ो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। जनकुक जनकुक तियांग से कहता है, अब तुम उससे बात क्यों नहीं करना चाहते हो? तियांग क्या हुआ, तुम उसे कुछ बोलोगी नहीं क्या? प्लीज़ क्या हुआ मुझसे कहो ना। तियांग कहता है, मैं क्यों बात करूँगा तुमसे, तुम हमेशा ऐसा करते हो। मैं जब भी शादी की बात करता हूँ तुम हमेशा टाल देते हो। जनकुक कहता है, क्या? लेकिन अभी तुमने किसी भी शादी की बात नहीं किया है तियांग, तुम तो जिमिन की बातें कर रहे थे ना कि वो कितना लकी है। वो लकी क्यों है? तियांग कहता है, वही तो, वो कितना लकी है क्योंकि युंगी उससे शादी करना चाहता है। जैसे कॉलेज ख़त्म हो जाएगा वो दोनों शादी करने वाले हैं और तुम हो कि अभी तक अपने घर में नहीं बता पाए, तुम उससे प्यार करते हो और मुझे भी बताने के लिए मना कर दिया। जनकुक कहता है, तो ठीक है ना, अब जब हम भी घर वापस चले जाएंगे ना, हम अपने पेरेंट्स को कह देंगे और शादी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तियांग कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जनकुक कहता है, हाँ माय लव, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तो तियांग कहता है, लेकिन क्या? जनकुक कहता है, मुझे लगा था शायद शादी करने से जो मज़ा है ना प्यार का वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा था कि कुछ दिन और साथ में ऐसे एंजॉय करते हैं, लेकिन तुम्हें अगर शादी करना है तो ठीक है, हम दोनों शादी कर लेंगे। तियांग कहता है, हाँ मुझे शादी करना है, मैं इस तरह से अब और नहीं रह सकता हूँ तुमसे दूर। जैसे कॉलेज ख़त्म हो जाएंगे तुम और मैं अलग होने वाले हैं जनकुक, क्या तुमने इस बात को रियलाइज़ किया है? जनकुक कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर चुपकर आ जाऊँगा तुमसे मिलने के लिए और तुम भी मेरे घर पर आ जाना। तियांग कहता है, मैं इस तरह से चुप चुप कर तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, मैं सबको कहना चाहता हूँ आई रियली लव यू। जनकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो तुम जैसे कहोगे वैसे होंगे, अब तुम गुस्सा करना बंद भी करो और चलो जिमिन को जाकर थोड़ा सा चिढ़ाते हैं। तियांग कहता है, तुम उसको नहीं चिढ़ाने वाले हो, वो मेरा सोलमेट है, तुम उसको इस तरह से तंग क्यों करते हो? जनकुक जनकुक कहता है, मुझे मज़ा आता है।
तो फिर त्यांग जनकुक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जनकुक नहीं रुकते हैं और वो जिमिन का जाकर कहता है, हे मुची, तुम्हारा कैट कहाँ है? क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो? इतनी जल्दी भी क्या थे? तुम्हारी वजह से अब मुझे भी शादी करने पड़ेंगे। अब तो हम दोनों चुपकर भी नहीं मिल सकते हैं। दोनों जब साथ में रहेंगे तो फिर चुपके मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। जिमिन कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? और तुम मुझे मुची क्यों बोल रहे हो? और तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम किससे शादी करने वाले हो जनकुक? तो तुम इसका मतलब, तुमने किसी से चुपकर इतने दिनों से डेट कर रहे थे और हमसे कहा भी नहीं, वो कौन है? जनकुक कहो ना। जनकुक, आप कुछ कहने वाले थे। त्यांग आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ जनकुक? क्या कहने वाले हो तुम? जनकुक कहता है, त्यांग आज मुझे मत रोको, मैंने इतनी दिनों से तुम्हें रोक कर रखा है, तुम मेरी वजह से किसी को बोल नहीं पाए। तो गाइस अटेंशन प्लीज, आज मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं त्यांग से प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और कर ही नहीं रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम दोनों को लग रहा है कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए, इसलिए मैं और त्यांग शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, घर वापस जाएंगे, हम हमारे पेरेंट्स को कहेंगे और शादी कर लेंगे। तो आप लोग यही प्रे करना हम दोनों के लिए, ताकि वो लोग हम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कहते। जिमिन कहता है, त्यांग तुमने भी मुझसे नहीं कहा है। जनकुक कहता है, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उससे मना किया था, जो भी कहना है मुझसे कहो मुझी। जिमिन कहता है, जनकुक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, आखिर तुमने मेरी त्यांग को फंसा लिया, तुम अब त्यांग को परेशान करने वाले हो। त्यांग कहता है, वो मुझे परेशान नहीं करने वाला है जिमिन, उसने मुझे ऑलरेडी परेशान करना शुरू कर दिया है, 2 सालों से मैं उसे झेल रहा हूँ। जिमिन कहता है, क्या तुम दोनों 2 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हो और तुमने हमसे कहा भी नहीं? त्यांग ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया है, चाहे जितना ही जनकुक ने मना क्यों ना किया हो, तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। मैंने और युंगी ने डेट करना शुरू कर दिया 1 वीक पहले, और हमने शादी के फैसला भी कर लिया, सब कुछ तुम दोनों को बताया भी, और तुमने हमसे नहीं कहा, क्यों? तो जनकुक कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल को नहीं तोड़ना चाह रहा था, मैं जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो। जिमिन कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता हूँ, मैं युंगी को पसंद करता हूँ, उसी से ही शादी करने वाला हूँ, समझे तुम? त्यांग जिमिन से कहता है, सॉरी जिमिन, तुम अब मुझसे नाराज मत हो जाना, और तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो, क्या लगा के रखा है जनकुक, उसको चिढ़ाना बंद करो ना प्लीज़। तो फिर जिमिन कहता है, त्यांग क्या तुम सच में जनकुक से शादी करना चाहते हो? वो 2 सालों से तुम्हारे साथ डेट कर रहे हैं और इतने सालों से किसी से कुछ नहीं कहा है, वो अगर किसी और के साथ भी इसी तरह से डेट किया होगा तो? तो जनकुक कहता है, क्या बोल रहे हो तुम, मेरे बारे में क्या चुगली कर रहे हो? जिमिन मैं तुम्हें आज मार ही डालूंगा, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? त्यांग कहता है, जनकुक क्या जिमिन जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? क्या तुमने किसी और के साथ भी डेट किया है मुझसे चुप कर? तो जनकुक त्यांग की गर्दन को पकड़ते हुए अपने क्लोज लेकर आते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? तो इसका मतलब तुम मुझ पर शक कर रहे हो त्यांग, वो भी इस मुझी की बातों से? तुम मेरी आंखों पर देखो और मेरी आंखों में देखकर कहो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में कोई झूठ दिखाई देता है क्या? त्यांग जनकुक की आंखों में डूब जाते हैं। त्यांग और जनकुक दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं, एक दूसरे को देखे जा रहे थे, ऐसे ही बहुत देर हो जाते हैं। जिमिन अब इन दोनों के बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, बस बहुत हो गया, एक दूसरे को इस तरह से घूरना बंद करो। त्यांग तुम मुझसे ये कहो कि तुमने उसकी आंखों पर क्या देखा है, क्या आंखों में देखकर कभी ये पता लगा सकते हैं क्या वो झूठ बोल रहे हैं फिर सही? त्यांग कहता है, मैं बोल सकता हूँ, जनकुक मुझसे झूठ नहीं कह सकते हैं, वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, और मैं जनकुक से ही शादी करूँगा। जनकुक और त्यांग दोनों ही मुस्कुराता है और त्यांग जिमिन से कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारी बातों से जनकुक पर शक करने के लिए एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मैं कभी भी जनकुक पर शक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जनकुक मुझसे ही प्यार करता है, किसी और से नहीं, और वो मुझसे कभी झूठ नहीं कह सकता है, वो मुझसे चुपकर किसी और से फ्लर्टिंग भी नहीं करता है, तो चीटिंग तो करना दूर की बात है, जनकुक त्यांग से कहता है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम सिर्फ जिमिन को ये दिखा रहा था कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो और मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे अच्छी तरह से पता है मेरा त्यांग कभी भी मुझ पर शक नहीं कर सकते हैं। जिमिन त्यांग से कहता है, मैं तुमसे नाराज हूँ त्यांग, तुमने मुझसे झूठ कहा है और तुमने मेरे सामने ही नाटक किया है जनकुक के साथ, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मैं अब तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ। त्यांग जिमिन की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, जिमिन कहाँ जा रहे हो? आई एम सॉरी,
तो जिमिन मुस्कुराकर कहता है, मैं भी नाराज होने का एक्टिंग कर रहा था, समझे त्यांग। जानकुक, तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने मेरे त्यांग को मुझसे चुरा लिया। जानकुक कहता है, क्या मैं समझा नहीं। युंगी आ जाते हैं और कहता है, जिमिन तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम त्यांग से प्यार करते हो। जिमिन कहता है, वो मतलब नहीं, तुम लोग गलत सोच रहे हो, मैं और त्यांग बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके साथ वो मेरा सोलमेट भी है, और मैं त्यांग को किसी ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं देख सकता हूँ जो त्यांग को बहुत ही दुख पहुँचाने वाले हैं। जानकुक कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो, मैं त्यांग को खुश नहीं रख सकता हूँ। जिमिन कहता है, मैंने ऐसा कब कहा, मैं जानता हूँ त्यांग को अगर कोई खुश रख सकते हैं ना, वो तुम हो, क्योंकि मैं पहले से तुम दोनों पर शक कर रहा था और मुझे पता चल ही गया था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, लेकिन मैं तुम दोनों की मुझसे सुनने के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था, मैंने युंगी से भी कह दिया था पहले से ही। युंगी कहता है, हाँ जिमिन ने सही कहा, लेकिन हम दोनों ने भी नाटक किया है, तुम दोनों जिस तरह से नाटक कर रहे थे। तो जानकुक कहता है, इसका मतलब सबको पता थे, लेकिन हमने सोचा कि किसी को पता नहीं है, तो प्यार छुप कर नहीं किया जा सकता है, वो फेस पर आ ही जाते हैं, और वो दोनों मुस्कराने लगते हैं। जानकुक त्यांग को हक कर लेते हैं। युंगी कहता है, तो मैं क्यों इस तरह से खड़े रहूँ, वो भी जिमिन को हक कर लेते हैं। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। आज कॉलेज ख़त्म होने की लास्ट डे है, वो लोग इस कॉलेज को छोड़कर जा रहे हैं, सब लोग बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट किया है, अब जानकुक का त्यांग अलग होने वाला है। वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था, क्योंकि इतने दिनों से वो दोनों साथ में थे और युंगी और जिमिन भी रो रहे थे। लेकिन युंगी जिमिन से कहता है, तुम इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली ने तो हमारी शादी के लिए अप्रूव कर दिया है, तो हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मैं तुम्हें अपने पास लेकर आऊँगा। जिमिन की फोरहेड पे किस करते हैं। यहाँ पर जानकुक त्यांग से कहता है, मैं घर में जाने के बाद ही आज ही अपने मॉम डैड से कह दूंगा तुम्हारे बारे में। त्यांग कहता है, मैं भी अपनी ह्यूंग और ब्रदर इन लॉ से कह दूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जानकुक अब त्यांग को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं, उसके होठों पर बहुत ही डीपली किस करना शुरू करता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस कर रहा था। युंगी और जिमिन यहाँ से जा रहे थे, लेकिन जानकुक और त्यांग अभी भी एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। पूरे कॉलेज खाली हो चुके थे सिवाय इन दोनों के, एक घंटे हो चुके हैं, युंगी और जिमिन यहाँ से जा चुके थे। तो फिर यहाँ का वॉचमैन कहता है, अब बस बहुत हो गया है, एक घंटे से एक दूसरे को किस किए जा रहे हो, अब अपने घर जाकर जो भी करना है कर लेना। तो फिर जानकुक और त्यांग अपने अपने घर चले आते हैं। जानकुक घर आने के बाद ही अपने पेरेंट्स से कहता है, मैं किसी से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। उसके पेरेंट्स कहता है, क्या तुम कॉलेज से पढ़ाई करके आए हो या फिर डेटिंग करके आए हो, क्या तुम्हें कॉलेज भेजा था या फिर डेटिंग करने के लिए भेजा था। जानकुक कहता है, डैड आप लोग मेरी शादी नहीं करना चाहते हो क्या, अगर चाहते हो तो मैं उसी से ही शादी करूँगा, और जितनी जल्दी हो सके, मैं उसी से प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। क्योंकि जानकुक के अलावा उन दोनों की कोई और बच्चा नहीं है, इसलिए जानकुक को कहता है कि ठीक है, हम लोग को उसकी पिक्चर दिखाओ, वो क्या करता है, उसकी घर कहाँ है, उसके पास क्या क्या है, उसके पेरेंट्स क्या करता है। तो वह जानकुक त्यांग की पिक्चर दिखाता है और सारी बातें क्लियर करके उनकी पेरेंट्स को कह देता है। त्यांग को देखते ही मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन पसंद कर लेता है और कहता है, ठीक है उसी के साथ ही तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन यहाँ पर त्यांग जैसे ही वो जानकुक के बारे में आर्यम और जिन से कहता है, वो दोनों मना कर देता है। आर्यम कहता है, तुम्हारी शादी जेहोब से होने वाले है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो त्यांग कहता है, क्या लेकिन मैं जानकुक से प्यार करता हूँ, जेहोब से नहीं, जेहोब कौन है मैं नहीं जानता हूँ। जिन कहता है, क्या तुम मेरे कजिन ब्रदर को नहीं जानते हो। त्यांग कहता है, हाँ आपकी शादी में मैंने एक बार मिला था, लेकिन मुझे उतनी अच्छी तरह से उसके बारे में पता नहीं है, मैं जानकुक से प्यार करता हूँ, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। लेकिन आर्यम कहता है, तुम्हें जेहोब से ही शादी करना होगा। त्यांग जानकुक के बारे में नहीं जानते तो उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकते हैं। त्यांग कहते हैं, नहीं जानते हो तो जान लोगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करो, मैं उसे घर बुलाता हूँ, उसके साथ बातें कर लेना। आर्यम कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, हम जेहोब को घर बुला लिया है, तुमसे मिलने के लिए आज शाम को आने वाले हैं। जेहोब आज शाम को आने वाले हैं, त्यांग सुनकर ही बहुत गुस्सा करने लगता है। लेकिन आर्यम कहता है, तुम्हें कुछ भी करके उससे मिलना होगा, क्योंकि जेहोब बहुत ही अच्छा लगा है, उसको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, वो जिन की कासिन ब्रदर है। जेहोब को ठुकराना मतलब जिन को नाराज करना, और मैं जिन को नाराज नहीं करना चाहता हूँ। त्यांग तुम्हें जेहोब से मिलना होगा,
तियांग कहता मैं नहीं मिलने वाला हूँ, लेकिन जिन कहता है आर्यम तुम उसको फोर्स मत करो, वो जो चाहता है वो ही करने दो। ठीक है, मैं जेहूब को मना कर देता हूँ। आर्यम कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिन तुम नाराज मत होना, मैं जेहूब को यहाँ पर आने के लिए कह दिया है, वो आने ही वाले हैं, वो रास्ते में है। तियांग कहता है क्या अगर जिन ह्यूंग मना कर रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो आर्यम कहता है जिन गुस्सा है इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो तियांग कहता है क्या क्या वो सच बोल रहे हैं? आप नाराज़ हो मुझसे? जिन कहता है मैं कभी नाराज़ नहीं हो सकता हूँ, तुम मेरे बच्चे जैसे हो तियांग। अगर जंगकुक अच्छा हुआ तो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी उससे ही कराऊंगा। आर्यम तुम अब उसको फोर्स करना बंद करो, मैं तियांग को इस तरह से सैड नहीं देख सकता हूँ। तियांग मेरे बच्चे जैसे है। हाँ ठीक है, मैं चाहता था कि वो जेहूब से शादी करे क्योंकि जेहूब बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन वो अगर किसी और से प्यार करता है तो हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए। तुम तियांग जंगकुक को घर पर बुलाओ। तियांग कहता है क्या सच में आप लोग सच में उससे मिलना चाहते हो? तो जिन कहता है हाँ। आर्यम कहता है लेकिन जिन जेहूब? जिन कहता है मैं उसको संभाल लूँगा। तो फिर तियांग जंगकुक और उसके पेरेंट्स को उसके घर पर आने के लिए कह देता है। जंगकुक कहता है क्या तुमने इतनी जल्दी अपने भाई और अपने ब्रदर इन लॉ को मना भी लिया है हम दोनों की शादी के लिए? तियांग कहता है हाँ वो लोग मान गए हैं। जंगकुक तुम जल्दी से अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाओ, तुमने कहा ना हमारे रिश्ते के बारे में। जंगकुक कहता है हाँ और मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तियांग, तुम उन लोगों को बहुत पसंद आए। तियांग बहुत ही खुश हो जाते हैं। जंगकुक तो फिर उसके पेरेंट्स को लेकर तियांग के घर आ जाते हैं। जिन और आर्यम जंगकुक के पेरेंट्स के साथ बातें करने के बाद ये डिसाइड करता है कि तियांग और जंगकुक की शादी कराएंगे क्योंकि जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसी के साथ उसके पेरेंट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। वो लोग अब तियांग और जंगकुक की शादी जल्दी से कराने के लिए डेट फिक्स कर देते हैं। तो फिर युंगी और जिमिन से पहले ही जंगकुक और तियांग की शादी हो जाते हैं। आज इन दोनों की फर्स्ट नाइट है और जंगकुक तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है कि आपसे हम दोनों साथ में रहने वाले हैं? तियांग कहता है मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जंगकुक, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जंगकुक कहता है मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है लेकिन मैं बहुत सैड भी हूँ तियांग। तियांग कहता है क्या लेकिन तुम सैड क्यों हो? जंगकुक कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं अब तुमसे चुपकर नहीं मिल सकता हूँ ना, इसलिए। तियांग कहता है बुद्धू लड़का जब हम दोनों साथ में रहेंगे तो हमें चुपकर मिलने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक कहता है लेकिन फिर भी मैं तुमसे चुपकर मिलना चाहता था, तुम्हें चुपकर किस करना चाह रहा था, तुम्हें हक करना चाह रहा था और तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाह रहा था, लेकिन अब तो हम दोनों साथ में भी हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कहने वाले हैं। तो तियांग कहता है तो ठीक है, मान लो कि हमारी शादी नहीं हुई है और तुम और मैं साथ में हैं तो अब तुम क्या करना चाहते हो जंगकुक? जंगकुक बिना कुछ बोले ही तियांग की होठों पर किस कर लेता है और अपने हाथों से तियांग के कपड़ों को खोलने लगते हैं। तियांग अब जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक अब बहुत ही फोर्सफुली किस करना शुरू करता है और तियांग को बेड तक लेकर जाते हैं और उसको बेड पर पुश कर देता है। तियांग कहता है क्या कर रहे हो जंगकुक, क्या तुम मुझसे चुपकर ये सब कुछ करने वाले थे? जंगकुक कहता है और नहीं तो क्या, ये सब कुछ ही तो चुपकर किया जाता है, वरना और क्या चुपकर किया जा सकता है? हाँ तुम ही कहो। और तियांग कहता है कि तो तुम अब नौटी हरकतें करने वाले हो? जंगकुक कहता है तुमने सही समझा और तियांग की होठों पर दोबारा से किस कर लेता है और तियांग में खुद को इन करते हुए बहुत ही रफली सब कुछ कर रहा था। तो ऐसे ही पूरी रात बहुत ही रोमांटिकली गुजर जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह को जिमिन कहता है तुम दोनों हम दोनों को छोड़कर ही शादी कर लिया, इतनी जल्दी क्या था? हाँ थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकते थे क्या? तुम दोनों तो घर वापस आने के बाद ही शादी करने का फैसला कर लिया, अब हम दोनों की शादी जो है 1 महीने बाद होने वाले हैं, तब तक तो तुम दोनों की शादी ओल्ड हो चुके होंगे। जंगकुक जिमिन से कहता है मैं तियांग और मेरी शादी को कभी ओल्ड नहीं होने दूंगा, एवरी डे हम दोनों की फर्स्ट नाइट ही होंगे, क्या कहते हो तियांग? तियांग कहता है एवरी डे मीन्स एवरी डे और जंगकुक तियांग के होठों पर किस कर लेता है। जिमिन कहता है किस करने से पहले कॉल तो कट कर दिया होता। सो गाइस यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो, बाय बाय टाटा।